बच्चों, ये टॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के दो स्टैंजाज हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा हम डिस्कस करेंगे, थर्ड एंड सम मोर स्टैंजाज। ये जो स्टैंजाज हैं अभी फ़िलहाल दे आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट कंटेंट वाइज। इसमें जो है ये कवि उस समय शाम के समय, जैसे हमने लास्ट टू स्टैंजा में पढ़ा था कि शाम के समय कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसे इवनिंग इज़ डॉनिंग अपॉन द एटमॉस्फेयर, शाम कैसे हो रही है, लोग अपने घर वापस जा रहे हैं, जानवर जो एनिमल्स हैं दे आर ऑल्सो गोइंग इन टू देयर शेड्स एंड दे आर ऑल्सो इन टू स्लीपिंग मूड। तो उसी तरह शाम को और फिर रात में किस तरह का माहौल है उसका जो है चित्रण है। द पोइट हैज़ पोर्ट्रेट द इवनिंग एटमॉस्फेयर इन दीज लाइन्स। तो इनको हम देखते हैं, स्टैंजा नंबर 3। Save that from yonder ivy mantle tower। अच्छा, पिछली लाइन्स में हमने ये पढ़ा था सेकेंड स्टैंजा की जो लास्ट लाइन थी, नो जो फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन थी उसमें कवि कहता है, नाउ एवरीवन इज लीविंग होमवर्ड एंड लीविंग मी एंड द डार्कनेस अराउंड। सभी लोग जो हैं वो घर की तरफ जा रहे हैं और केवल मैं जो हूँ, मुझे इट सीम्स एज इफ एवरीवन इज़ लीविंग मी एंड द डार्कनेस अराउंड। ऐसा लगता है कि जितने लोग जा रहे हैं वो मुझे और इस अंधकार को छोड़कर अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। अब उस वही आइडिया ये स्टैंजा नंबर 3 में कंटिन्यू हो रहा है। सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेंटल्ड टावर। सेव कह सकते हैं आप एक्सेप्ट, सिवाय, यानी हर कोई अपने घर की तरफ जा रहा है एंड दे ऑल आर इन अ मूड टू टेक रेस्ट। नाउ इट इज़ इवनिंग टाइम एंड द नाइट टाइम, सो दे ऑल आर इन द मूड टू टेक रेस्ट। और उसके और क्या, देयर इज़ नो एक्टिविटी। लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था कि देयर इज़ अ सॉलेम स्टिलनेस अराउंड, एक शांति हो गई है चारों तरफ। अब देयर इज़ नो एक्टिविटी गोइंग ऑन, कोई एक्टिविटी नहीं है और क्या हो रहा है, सिर्फ कहाँ एक्टिविटी दिखाई दे रही है। सेव दैट फ्रॉम योंडर, योंडर माने वो, देखो दूर, योंडर ये पॉइंट आउट करके दिखा रहे हैं, ये जो दूर एक आईवी मेंटल्ड टावर है, एक टावर है और उस पर आईवी एक बेल होती है, क्रीपर होती है जिसमें बहुत सुंदर फूल आते हैं, और वो इट द आईवी क्रीपर हैज़ कवर्ड दैट टावर। उसने मेंटल्ड यानी इट हैज़ कवर्ड द टावर, वो बेल जो है उस टावर पर पूरी तरह चढ़ गई है। वो देखो जो दूर एक टावर है वहाँ पर वो बेल चढ़ गई है और वहाँ पर क्या हो रहा है, Only one the mopping owl does to the moon complain। एक आउल, एक उल्लू पक्षी जो है, it is sitting there and it is making some sound। ये कुछ कह रहा है और and it seems कि ये complain कर रहा है moon से, चंद्रमा से, वो कोई शिकायत कर रहा है। और क्या कह रहा है, of such as wandering near her secret bower molest her ancient rain। It seems दैट कि ये जो उसका ये उसका जो रेन है, यानी उल्लू पक्षी जो है वो रात में निकलता है, रात्रि के समय निकलता है और उसी समय चंद्रमा भी निकलता है, तो उल्लू पक्षी उस समय बोल रहा है और ऐसे इट इज़ इट सीम्स एज इफ इट इज़ सेइंग दैट द मून इज़ molesting her solitary rain। solitary यानी अकेला, lonely, ancient यानी पुराना, हमेशा से पुराना, बहुत समय से इसका एक शासन है। rain माने शासन है, उल्लू पक्षी का उस वो जो टावर है वहाँ पर शासन है और केवल मून वहाँ से गुजरता है, कोई भी रात्रि में वहाँ नहीं गुजरता। that is a solitary tower, कोई वहाँ जाता नहीं है। and it is the owl bird seems to complain to the moon as if it is molesting its still। जो शांति है वहाँ की वो जो है जैसे चंद्रमा उसको भंग कर रहा है, ऐसा वो करता हुआ प्रतीत हो रहा है। अच्छा, और क्या है वहाँ पे नेक्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए कवि जो है क्या देखता है, बीनीथ दोज रगेड एल्म्स। एल्म इज अ काइंड ऑफ ट्री, एक तरह का वृक्ष होता है, ट्री होता है। तो बीनीथ माने नीचे, दोज रगेड आर्म्स, रगेड यानी रफ, वो जो
पक्षी है, देखो वहाँ उधर वो जो एल्म ट्री है ना, उसकी जो रगेड जो खुरदुरी सी, जो खुरदरा सा जो तना है उसका, वो जो पेड़ है दैट यू ट्री शेड, वहाँ पे एक और जो है ट्री है उसका नाम है यू, उसकी छाया में, उसके नीचे क्या है वहाँ पर, वेयर हीव्स द टर्फ इन मैनी अ मोल्स रिंग हीप, जहाँ पर क्या दिखाई देती है एक्चुअली, वहाँ पे क्या है कि जो ये विलेजर्स हैं, जो गांव वाले जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको वहाँ दफना दिया जाता है, और बिकॉज़ दे आर वेरी ऑर्डिनरी पीपल, तो उनके लिए उनकी जो कब्र बनाई जाती है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से नहीं बनाई जाती, उसको खोदा जाता है, ज़मीन को खोदते हैं उनको दफना कर, और फिर उसको जो है मिट्टी से लेवल कर देते हैं, लेकिन जब वो लेवल करते हैं तो कहीं कहीं क्या होता है, मिट्टी कहीं ऊँची कहीं नीची रह जाती है, एक टर्फ जैसे, मिट्टी के गोले जैसे बन जाते हैं उनको, क्योंकि वो प्रॉपर बहुत स्मूदली उसको लेवल नहीं करते, तो कहीं कहीं वो जो मिट्टी के ढेले हैं या गोले हैं जिनको हम टर्फ कहते हैं, वो रह जाते हैं, और फिर समय के साथ क्या होता है, वो क्योंकि वो मिट्टी होती है उसमें घास उगाती है, कुछ जंगली पेड़ पौधे उगाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ढेर लगा हुआ है, मतलब ये कुछ घास फूस का और ये जो जंगली पौधे हैं उनका जो है वहाँ पर कुछ ढेर जैसा रखा है, उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है कवि, कह रहा है वेयर ही इज द टर्फ इन मैनी अ मोल्स रिंग हीप, ऐसा लग रहा है कि वहाँ जो घास है वो रिंग्स कई सारे गोले बने हुए हैं, ढेर बने हुए हैं, और वहाँ पे ये उगाई है, और क्या है वहाँ पर, ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, ईच माने प्रत्येक, एवरी विलेजर, एवरी ओल्ड मैन, एवरी विलेजर हु इज़ डेड नाउ, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है, वो वहाँ पर क्या कर रहा है, इन हिज नैरो सेल, नैरो यानी सकरा, सेल माने जैसे सेल होता है जेल में बंद कर देते हैं, जो जेल में उनके यू वी कैन से स्मॉल, वेरी स्मॉल रूम्स, उनको सेल कहा जाता है, तो उस तरह से उनको बंद कर दिया गया, एक छोटे छोटे उनके जो कब्र हैं, उनकी जो ग्रेव्स हैं, दे आर लेड, लेड माने बरीड, दे आर बरीड इन देयर ग्रेव्स फॉर एवर, हमेशा के लिए वो दे आर बरीड इन दोज ग्रेव्स, और द ग्रेव्स आर वेरी नैरो, बहुत ही सकरी हैं वो जो कब्र हैं, और वहाँ पे कौन लेट माने वैसे होता है लेटा हुआ, लेकिन यहाँ लेट का मतलब है बरीड, तो ईच विलेजर इन दो सेल्स आर बरीड फॉर एवर, उनको वहाँ पर हमेशा के लिए दफना दिया गया है, और कौन दफनाया गया है, द रूट फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, ये जो लाइन है इसको बच्चों अंडरलाइन कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द रूट फोर फादर्स, अब रूड वैसे तो हम कहते हैं, रूड हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो जिसको थोड़ा बातचीत का सलीका नहीं होता, जिसको बोलने में जिसके पोलाइटनेस नहीं होती, अभद्र व्यवहार कोई करता है उसको हम रूड कह देते हैं, लेकिन यहाँ रूड का मतलब है सिंपल, ऑर्डिनरी, द सिंपल फोर फादर्स, फोर फादर यानी पूर्वज, किसके पूर्वज, ऑफ द हैमलेट, हैमलेट कहते हैं बच्चों गांव को, तो ये जो गांव सामने है दिख रहा है, इसके जो पूर्वज हैं, इसमें जो रहने वाले लोग हैं, ऑब्वियसली जिस गांव में लोग रहते हैं, और फिर उनके जिस तरह से बुज़ुर्ग होने लगते हैं लोग, और एक एक करके उनकी मृत्यु होती है, उनकी नई जनरेशन आगे बढ़ती है, वो लोग काम करते हैं, तो उनके जो माता पिता पूर्वज हैं उनकी मृत्यु होती है, और इस तरह से उनको यहाँ पे गांव के बाहर इन दिस चर्चयार्ड उनको वहाँ लाके उनको दफना दिया जाता है, तो हैमलेट माने गाँव, इस गाँव के जो पूर्वज हैं, जो सिंपल सिंपल फोर फादर्स एंसेस्टर्स, के लिए इंग्लिश में एक और वर्ड है फोर फादर्स के लिए एंसेस्टर, दे स्लीप हियर, स्लीप का मतलब वो यहाँ सो रहे हैं, तो सोने से मतलब दे आर बरीड, वो सब यहाँ पर सो रहे हैं, ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर, और यहाँ क्या हो रहा है अब आगे का जो है एक दृश्य है, अब ये रात की बात हो गई, अब सुबह हो गई, नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 5 जो है उसमें हम देखते हैं कि सुबह हो गई है, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, मॉर्न यानी मॉर्निंग, सुबह हो गई है, और ब्रीजी कॉल, ब्रीज कहते हैं सुबह की जो सुगंधित वायु होती है उसको ब्रीज कहते हैं,
इंसेंस माने भी सुगंधित कोई धुआं होता है, जैसे आप मोमबत्ती जलाते हैं, ओ सॉरी क्या अगरबत्ती जो जलाते हैं उसको इंसेंस भी कहते हैं। तो सुबह सुबह की खुशबू हवा में फैली हुई है। स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, स्वेलो इज़ अ बर्ड, एक पक्षी होता है, तो स्वेलो जो है वो अपने स्ट्रॉ बिल्ट शेड यानी उसका जो नेस्ट है जो उसने स्ट्रॉ से तिनकों से बनाया है वहाँ से वो ट्विटर, द बर्ड्स द स्वेलो बर्ड इज ट्विटरिंग फ्रॉम इट्स नेस्ट, सुबह सुबह पक्षी चहचहाते हैं, दे आर चर्पिंग फ्रॉम द देयर नेस्ट, द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, जो कॉक मुर्गा होता है सुबह सुबह बांग देता है वो बांग दे रहा है, और द इकोइंग हॉर्न, इकोइंग हॉर्न हॉर्न ऑफ अ हंटर्स, उस समय जो शिकारी होते थे वो सुबह सुबह वो भी शिकार पर अपने जो हैं डॉग्स को लेकर जाते थे और एक हॉर्न बजाते हुए वो जाते थे। तो सुबह सुबह की एक्टिविटीज़ की यहाँ पे अब कवि बात कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। नो मोर शेल राउज फ्रॉम देयर लोली बेड, ये जो सब जो रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट ऑफ द विलेजर्स, ये जो इनके पूर्वज हैं ये जो इस कब्र में सो गए हैं हमेशा के लिए, सुबह की जो इतनी सुंदर सुंदर एक्टिविटीज़ हैं, सुबह सुगंधित वायु बह रही है, द बर्ड्स आर चर्पिंग, द कॉक इज़ गिविंग मॉर्निंग क्लैरियन, सुबह जो मुर्गा है वो सबको जगा रहा है, द हंटर इज़ इकोइंग इट्स हॉर्न, बट नो मोर दे विल राइज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, उनको उनके जो लोली यानी नीचे जो उनके बिस्तर लगे हैं, बेड यानी बेड में तो वो है नहीं, वो कहाँ हैं ग्रेव में, तो जो नीचे उनके ग्रेव में बिस्तर हैं अब वहाँ से वो लोग कभी नहीं जागेंगे, मीन्स दे आर डेड सो दे विल नेवर राइज अगेन। ये स्टैंजा नंबर 5 है बच्चों, इसको रिवाइज कर लीजिएगा।